नमस्ते विद्यार्थियों, आशा है कोरोना काल में आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। मुझे विश्वास है आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, सामाजिक दूरी, बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण आज की आवश्यकता है। इस महामारी के बीच आपसे जुड़ने का तरीका एकमात्र डिजिटल तकनीक है। बच्चों, आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। उनके इस संकल्प को पूरा करना हम सब भारतीयों और भारतवासियों की जिम्मेदारी है। इस संकल्प पूर्ति का दायित्व तो विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग पर अधिक है। आशा है आप मेरे इस संकेत को समझ रहे होंगे। कोई भी मार्गदर्शन अथवा तकनीक आपकी दिशा और दशा को 20% ही तय करती है। बच्चों, इस विषम परिस्थितियों में मेरी आपसे अपील है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जो जो साधन मिले उनका भरपूर उपयोग करें। मेरे द्वारा जितना संभव होगा उतना वीडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से मार्गदर्शन देने का प्रयास करूंगा। बच्चों, मेरा पहला वीडियो आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 पाठ 1 साखी, इसके कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, विशेष रूप से उनके दोहे प्रचलित हैं। साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब होता है जिस तरह से एक लेबोरेटरी में बच्चे या रिसर्चर्स अपने अपने रिसर्च को टेक्नीशियन के माध्यम से पूरा करते हैं, उसको हम प्रायोगिक ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु और शिष्य के बीच का एक अनन्य संबंध होता है। तो आज का जो पहला पाठ है वो साखी है। साखी का पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। मतलब वाणी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य को ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों के लिए बहुत प्रेरित करने वाली हो। अगर हम शब्दशा समझने की कोशिश करें तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा का मतलब होता है अहंकार। अहंकार से रहित वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और जो मनुष्य अहंकार से हीन वाणी का प्रयोग करता है निश्चित रूप से वो दूसरों के लिए प्रेरित करता है, और उससे वो तो उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती ही है, साथ में सुनने वाले को भी बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चों, प्रायः ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम सामने वाले से जिस संदर्भ में बात करें या जिस विषय को लेकर बात करें निश्चित रूप से हमें उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी इच्छाओं को या कामनाओं को समझते हुए हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम गलत वाणी का प्रयोग करते हैं तो उसकी मन को ठेस पहुंचती है और उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए घर में रहते हुए अपने बड़ों से आदर पूर्वक बात करें, और घर में जो आपसे छोटे हैं उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। वाणी हमें जो अलभ्य होता है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वाणी का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए। थैंक यू।